उमेरपुर में कोरोना मरीजों के नए मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को भी 10 नए केस सामने आए हैं। इससे प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। उपखंड मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि बुधवार को 10 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोरोना के पॉजिटिव मामले बढ़कर 46 हो गए हैं। इनमें से 3 रिकवर हो चुके हैं। इसके बाद एक्टिव केस 43 रह गए हैं। सभी मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री की जानकारी निकाली गई है। इसमें नोवी का मरीज 5 लोगों के साथ मुंबई से आया था, बड़गावड़ा का एक और लापता की एक महिला 2 बच्चों के साथ मुंबई और अन्य सहयात्रियों के साथ निजी बस में आए थे। BCMO डॉक्टर शरद सक्सेना ने बताया कि इसी बस में सवार होकर पहुंचा एक युवक 20 मई को संक्रमित हो चुका था। ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक प्रमोद गिरी ने बताया कि कोरोना मरीजों को कोविड केयर सेंटर सुमेरपुर में रखा गया है। इस दौरान उपखंड के कई अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना के चलते आसपास के इलाकों को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। साथ ही नोवी में दुकानें भी बंद कराई गई हैं। ग्राम पंचायत में जयंतीलाल सिल्वर शर्मा जो प्रवासी हैं मुंबई से, जिनका ट्रैवल हिस्ट्री बता रहे हैं, तो वो पॉजिटिव पाए गए। आज की रिपोर्ट में भी खुद वो कोविड सेंटर सुमेरपुर में है। इसके एहतियातन तौर पर गांव में समस्त दुकानों को जो बफर जोन में आ रहा है, पूरा 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, सारी दुकानें एहतियातन तौर में बंद करवा दी गई। इसके साथ ही जितने निर्माण कार्य थे वो सारे बंद।